नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धनुषी आरती में। दोस्तों आज जो है मैं आपको लेलिहान मुद्रा के बारे में बताऊंगा। लेलिहान मुद्रा आप में से कई लोगों ने मुझे कहा था कि प्राण प्रतिष्ठा के समय जो मुद्रा दिखाई जाती है दादा, उस मुद्रा के बारे में आप एक बार दिखा दीजिए। पहली बात, मुद्रा आदि के बहुत सारे विषय हैं और कई लोग आप लोग मुझे कहते हैं कि दादा ये मुद्रा यहाँ पर ऐसे दिखता है तो वहाँ पर वैसे, तो ये जो होता है ये परंपरा से होता है और कई सारे हमारे आगमों की कई सारी जगहों पर जो है, जैसे मैं एक उंगली से दिखा रहा हूँ तो दूसरे ग्रंथ में जो है उसका दूसरा वर्णन है। तो जहाँ पर जो जिस चीज़ को फॉलो करता है ना, उन्हें उस चीज़ के मतलब उस ग्रंथ के हिसाब से ही जो है चलना चाहिए, संपूर्णता उसके हिसाब से ही चलना चाहिए, कुछ भी गलत नहीं है। पर जिसे आप फॉलो कर रहे हैं उसे ही पूर्णता आपको फॉलो करना चाहिए। लेलिहान मुद्रा जो है जीवन न्यास, यानी कि जो प्राण प्रतिष्ठा आदि किए जाते हैं देवता के, उसके लिए जो है लेलिहान मुद्रा दिखाई जाती है। लेलिहान मुद्रा से ही जो है जो प्राण प्रतिष्ठा के मंत्र आदि होते हैं दोस्तों, उसे पढ़े जाते हैं। जैसे कि यह प्राणा, ये जब जो है हृदय को स्पर्श जो किया जाता है तो वो ये लेलिहान मुद्रा में ही जो है किए जाते हैं। तो यहाँ पर इसका वर्णन पहले पढ़ लेते हैं। दक्षिण करतल अधमुख रखकर, दक्षिण करतल जो है अधमुख रखकर मध्यमा तथा अनामिका को, मध्यमा दक्षिण करतल अधमुख रखकर तर्जनी मध्यमा तथा अनामिका को संयुक्त रूप से अधमुख रखे, अनामिका के मूल पर अंगुष्ठ स्थापित कर कनिष्ठा को दंडकार रूप से सीधी रखे, जीवन न्यास के समय इस मुद्रा का प्रयोग होता है। यानी कि दक्षिण हस्त में जो है ये जो तीन उंगली है, ये जो तीन उंगली आप देख रहे हैं दोस्तों, ये इस प्रकार नीचे की तरफ रहेगा और कनिष्ठा जो है इस प्रकार ऊपर की तरफ रहेगा, और ये जो अंगुष्ठ है ये जो है ये मूल पर, अनामिका के मूल पर, यानी कि ऐसे जो है इस प्रकार से जो है होगा दोस्तों। तो ये ही हो जाता है लेलिहान मुद्रा, यानी ये तीन उंगली जो है ये एकत्रित इस प्रकार से नीचे की तरफ रहेगा, कनिष्ठा जो है इस प्रकार से उठा हुआ रहेगा, और जो है ये जो अंगुष्ठ है ये जो है अनामिका के मूल पर, अनामिका के मूल पर इस प्रकार से स्थापित होगा, अनामिका के मूल पर इस प्रकार से जो है स्थापित होगा और इस प्रकार से। तो ये इस प्रकार से हो जाता है हमारा, इस प्रकार से हो जाता है लेलिहान मुद्रा। तो इस लेलिहान मुद्रा के माध्यम से ही जीवन न्यास यानी प्राण प्रतिष्ठा आदि विधि के समय जो है यह प्राणा इस प्रकार के जो भी सारे मंत्र आदि जो है देवता के स्पर्श करते हुए जो पढ़े जाते हैं, मतलब बोले जाते हैं, वो इस लेलिहान मुद्रा में ही जो है किए जाते हैं दोस्तों। तो ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।